कर देती हूँ। ओके, तो आज हमने लोगो बनाना है, ठीक है। लोगो बनाने के लिए हमें सिंपल वही 1080 हाइट और 1080 विड्थ चाहिए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। कलर मोड हमारा आरजीबी है। रास्टर इफेक्ट को हम मीडियम इसलिए रखते हैं क्योंकि हाई रखने की वजह से, 300 रखने की वजह से हमारे पीसी काफी ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम रास्टर इफेक्ट को कम रखते हैं। एक मिनट, ओके। तो अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, बहुत ही सिंपल मैं आपको आज लोगों से खा रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सिखाऊंगी। सो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मुझे शो करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आप उस लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। इस हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, तो अब हम बनाएंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, लोगो डिजाइनिंग, ठीक है, लोगो डिजाइनिंग। इसको हम अब राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस। इसको आप चेंज करना चाहते हो स्टाइल वगैरह तो आप कर सकते हो चेंज। अच्छा, अब लोगो का थीम हम आज रख लेते हैं ब्लूइश, ब्लूइश थीम हम आज रख लेते हैं। तो ब्लूइश थीम रखने के लिए मैं इसको भी जो है ना तो ब्लू कर देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अब आपने हर एक चीज गौर से देखनी है क्योंकि जिस तरह की प्रेजेंटेशन मैं बना रही हूँ आप लोगों से मैं सेम प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सही है। अच्छा, इसको हमने, इसको ओवरलैप करने के लिए हम अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। नजर हमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों काले। अच्छा, अब हमने जो बॉक्स बनाया है इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हम फिल पर डबल क्लिक करके यहाँ से हमारे पास कलर्स आ गए। इस रिलेटेड कलर्स हम थोड़े से रख लेते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको ब्लैकिश रख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अंदर जो हमारे पास लोगो लिखा हुआ है इसको हम व्हाइट कर देंगे, और जो ये हमारे पास लोगो लिखा हुआ है इसको हम जो हमारे पास ये कलर है ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग आ गई, सही। मैम जी यूनि के लगाओ भी सिखा दे। मैम जी सी यूनि, सॉरी आप दोबारा मैसेज करें, इसको मुझे समझ नहीं आ रही कॉमन। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने लेना है एक सर्कल, ठीक है, जिसको हम एलिप्स टूल भी कहते हैं। सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि इसको आपने स्वैप कर देना है, लाइक आपने फिल को एम्प्टी छोड़ देना है और आपने आउटलाइन जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं उसको हमने फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेके पहले आप माउस छोड़ोगे फिर आप ऑल्ट का बटन छोड़ोगे, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, दोबारा ले लेती हूँ सेम साइज का, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैंने दोबारा ऑल्ट प्रेस किया है, ठीक है, और इसकी कॉपी लेके मैंने सेंटर में रखी, ठीक है। जब मुझे सेंटर का साइन शो होगा तब हम करेंगे इसको फर्दर, ओके। अब मैंने थर्ड स्टेप लेने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, फिर से ऑल्ट बटन क्लिक किया और इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब इसके साथ हमने एक थर्ड सर्कल को लगाना है। थर्ड सर्कल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड सर्कल को लगाने के लिए मैंने इसकी फिर से कॉपी ले ली और इसको मैंने यहाँ रख लिया, सही है। अच्छा, अब हमने इसको प्रॉपर हमने इन दोनों के बीच पॉइंट पर लगाना है। अब इसको हम प्रॉपर कैसे लगाएंगे, मैं कंट्रोल प्लस, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लेकर आना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। अब आप याद रखिए, आपने कंट्रोल प्लस वाई को क्लिक करना है, आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब हमारे लिए हमारे ये जो साइन बना हुआ है क्रॉस का, इसको हमने एग्जैक्ट लाके इन दोनों के बीच रख देना है, सही है। अब ये तीनों हमारे पास लाइक इक्वल डिस्टेंस पर है, ये देखिए यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट पे भी हमारे पास क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने दोबारा कंट्रोल वाई क्लिक करके हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन ले आएंगे। इसका मैंने कंट्रोल करके दोबारा से ले लिया और इसको मैं यहाँ पे रखूंगी, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन वो वाला सर्कल में ये बीनीथ जो यहाँ पे मेरा सर्कल है इससे मैंने लेना है। इसको मैं क्लिक करूंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी, इसकी कॉपी करके मैं बिल्कुल इसके बीच में ले आऊंगी। ठीक है, अब हमें बिल्कुल सेंटर में ये चाहिए। आप ये देख ले कि क्या ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से इक्वल है, नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड पे शिफ्ट करेंगे। हमने इन तीनों पॉइंट्स को इक्वल साइज पे रखना है। ठीक है, अब तकरीबन इक्वल है, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी कॉपी ले लेंगे। ठीक है, अब ये वाला स्टेप आप सबने याद रखना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस सबको पहले सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने शेप बिल्डर टूल पे क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक करेंगे आप, शेप बिल्डर टूल, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले ऑल्ट का बटन क्लिक करना है। कौन सा बटन, पहले मैं ऑल्ट बटन क्लिक करूंगी, फिर जहां पे मुझे देखिए ऑल्ट मैंने नहीं क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे रेड लाइन शो नहीं हो रही। आप में से किसी के पीसी में ये और ये जो मेरे फोर साइड्स बनी हुई है इसकी जगह किसी को प्लस और माइनस का साइन शो होगा। ठीक है ना, तो जब आप वो आपको प्लस शो होगा, जब आप और क्लिक करेंगे तो वो माइनस में एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सिंपल शो हो रहा है कि ब्लू लाइन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जब मैंने और को क्लिक किया तो मुझे ब्लू रेड लाइन शो हो रही है, तो मैंने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह मेरे पास जितने भी आउटर एरियाज हैं इन सबको मैंने ऑल्ट प्रेस किए हुए, ऑल्ट को मैंने नहीं छोड़ना और इनको मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, अब इस तरह की शेप बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने इसी शेप को मजीद जो है तो नीचे लेकर आएंगे। आप सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं ले आती हूँ इसके बिल्कुल सामने। अब मैं क्या करूंगी, अब वही मैं दोबारा से शेप बिल्डर टूल में जाऊंगी। पहले हमने ऑल्ट प्रेस किया था क्योंकि हमें माइनस चाहिए था, अब हमें प्लस चाहिए, तो मुझे अब इन दोनों को एक शेप बनानी है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माउस को क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूंगी तो हमारा ये लाइक बीच में से जो लाइन थी वो मर्ज हो गई। इसी तरह मैं इन दोनों को भी क्लिक कर दूंगी और इस तरह मैं इन दोनों को क्लिक कर दूंगी। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा लोगो बन चुका है। ठीक है, आप इसको पहले सबसे पहले इसकी आप कॉपी लेंगे, कॉपी आप नीचे शिफ्ट करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे नीचे एरिया चाहिए। ओके, अब आप इसमें से देख लें कि हमारे पास कितने शेप्स बन गए। ये वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। आवाज कट रही है, दिस कुड बी इंटरनेट इशू। आपको जब मिलेगी रिकॉर्डिंग तो उसमें आवाज आपकी नहीं कटेगी, सही है, तो आपको इंशाल्लाह उसमें सही समझ आ जाएगी। ओके ओके, ये हमारे पास देखिए फोर जो है तो हमारे पास पार्ट्स बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कलरिंग करनी है। मैं इसकी एक और कॉपी पे ले लेती हूँ, फाइनल कॉपी। ठीक है, इसको ओके, अब मैं इसको कलरिंग करती हूँ। कलरिंग में इसको ऐसा करती हूँ, मैं इस लोगो को सेम कलर्स कर देती हूँ। हमने जो रखा था इनका थीम, हमने ब्लू रखा हुआ था। नहीं, सबको सेम नहीं करती, सबको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं जो हमारे पास ये वाली शेप है, इसको जो मेरे पास अवेलेबल है कलर में, ये सॉरी ये वाला एरिया, इसको मैं सेम कलर कर देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा लाइटर कर देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस पर डबल क्लिक करूंगी, अपने बी का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी क्लिक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइटर कर देती हूँ। ठीक है, इतना लाइटर काफी है हमारे पास। ओके करूंगी, हमारे पास लाइटर कलर आ गया। अब मैं इसको कलर क्लिक करती हूँ, आई ड्रॉपर टूल की मदद से सेम कलर कर देती हूँ, फिर से फिल में जाती हूँ और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मजीद लाइटर कलर आ गया, तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा लोगो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको हम लास्ट ऑप्शन रख लेते हैं, इसको हम पहले ले आते हैं। ये हमारे क्रिएटेड है, इसको हम प्रोसेस वर्क में क्या करते हैं, स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक में इसको डैश लाइन पे, और यहाँ पे ये ओके हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हमारा फाइनल लोगो है और इसको छोटा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर एक लोगो क्रिएट हो चुका है। आप लोगों ने भी इस तरह का लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेप्स के नेम्स दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्टेप वन,
अच्छा ये बताए, आज के लेक्चर का मजा आया आप लोगों को? मुझे जल्दी से रिस्पांस किया करे, सोया मत करे मेरी क्लास में। ओके ये हुआ स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू। अच्छा आई थिंक आज किसी को भी मजा नहीं आया। ओके इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस का इश्यू ना बने। आप जब अपने क्लाइंट को काम सबमिट करवाएंगे ना इंशाल्लाह, जब आपका आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो आपने इस होल प्रोसेस से गुजरना, आपको इस होल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ईच एंड एवरी स्टेप को याद रखें और आप नीटनेस और नीटनेस और क्लीननेस को जरूर याद रखें, क्योंकि जब तक कोई भी काम आप नीटनेस से नहीं करेंगे ना, तब तक जो है तो लाइक आप अच्छा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप कोशिश किया करें कि आप जो भी काम करें आप नीट एंड क्लीन किया करें, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्पेस इशू बन रहा है हमारे पास। बस पॉइंट रिपीट कर दे, आप मुझे बताएं आपको कौन सा स्टेप रिपीटेड में चाहिए, मैं आपको रिपीट करके दे देती हूँ। शेप बिल्डर पॉइंट, ठीक है मैं आपको वो रिपीट करके दे देती हूँ। ये लोगों में कंप्लीट कर दूं तो फिर मैं आपको वो रिपीट करके दे दूंगी। ओके ये हमारे पास फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप एंड हियर इट इज सिक्स्थ स्टेप। छह इजी स्टेप्स में आपका एक बहुत ही प्यारा सा लोगो बन गया है। ओके इसको हम देंगे नेम प्रोसेस वर्क। और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे फाइनल लोगो, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल लोगो बन चुका है। ओके बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर था आज आप लोगों का, ये आपका सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही हो जाता अगर आप लोग जो है तो प्रॉपर मुझे असाइनमेंट्स कराते, सबमिट कराते और आप लोग प्रॉपर क्लास में अटेंड होते। अच्छा आप लोग को शेप बिल्डर टूल की समझ नहीं आए, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको शेप बिल्डर टूल लेना समझा देती हूँ। इसका मैं कलर कर देती हूँ वाइट ताकि आपको नजर आए। अच्छा सबसे पहले आपने इसको सारा क्लिक करना है, ठीक है, फिर आप जाओगे शेप बिल्डर टूल पे, ठीक है। ये या तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाएगा और साथ में इसके छोटा सा प्लस बना हुआ होगा, या फिर आपको इसी तरह दिखाएगा जिस तरह मुझे दिखा रहे, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है, ये देखिए ब्लू लाइन चेंज नहीं हो रही, जब हम आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये ब्लू लाइन रेड लाइन में चेंज हो गई। इट मीन्स कि अब अगर हम माउस को क्लिक करेंगे तो इस रेड लाइन ने गायब हो जाना है यहाँ से, ठीक है। मैंने माउस को क्लिक किया, रेड लाइन गायब हो गई। अब मुझे जो जो चीजें गायब करनी है उन सब पे मैंने इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये मैं जितना ड्रैग करती जा रही हूँ माइनस क्लिक करके वो वहां से रिमूव हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये वाली शेप है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ये दोनों मिलकर एक एरिया बन जाए।
तो मैं क्या करूंगी, मैं इन पूरे को क्लिक करूंगी, शेप बिल्डर टूल में जाऊंगी। अब मुझे ऑल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं प्लस कर रही हूँ, मैंने कोई चीज माइनस नहीं करनी, बल्कि मैंने चीजें प्लस करनी है, मैंने इसको एरिया को और इस एरिया को प्लस करना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे अपना माउस रखा, माउस के बटन को क्लिक किया और ड्रैग करके मैं यहाँ ले आई, तो मेरे पास एक एरिया कंप्लीट आ गया। अब मैंने यहाँ माउस रखा, क्लिक किया और इस एरिया तक मैं ले आई, तो मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। अब मैंने यहाँ माउस रखा, क्लिक किया और इस एरिया पे मैं ले आया, तो मेरा थर्ड स्टेप बन गया। अब आइए आपको समझ, अब आप सिंपल इसको एक दूसरे से दूर करना चाहे तो कर सकते हैं। आइए समझ, लाइक ये सारी चीजें आप विद इन अ सिंगल स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने सिंगल स्टेप में करना नहीं है, यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप लोगों की प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने दोबारा से रेक्टेंगल टूल पर जाना है और इस पेज का लाइक जितना आपने काम किया है उस पर क्लिक कर देना है, और फिल एंड स्ट्रोक दोनों आपने जो है तो इसके फिल एंड स्ट्रोक दोनों आपने इसके एम्प्टी रखने हैं, क्योंकि हमें इनका कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी एक आउट चाहिए, आउटलाइन चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप इस को नहीं रखते, इस रेक्टेंगल को, तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ से और यहाँ से कट करेगी, ये एक्स्ट्रा एरिया आपको शो नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वो एरिया आपको शो होगा जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, प्रॉपर हमारे एक स्क्वायर के अंदर काम हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे। अब बताएं कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई आप सबको, जल्दी से बताएं, समझ आ गई आपको, कोई इशू, समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई इशू है आपको, कोई इशू वगैरह है? यस मैम, क्या इशू है? नो इशू, ओके, सो थैंक यू सो मच।